लास्ट बट नॉट लीस्ट आज मैंने अपने रूम में लाया बिकॉज ही लुक्स वेरी यंग टू मी। भाई साहब ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सईद हुसैन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अमल से गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं व्लॉग स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों बस हूँ। नहीं नहीं, रीज़न है मेरे पास, रीज़न ये है कि मुझे आज मतलब काफ़ी दिन से मुझे नून चाय की क्रेविंग हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं नून चाय बनाऊँगी। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ क्या ही लगता है, नून चाय की पत्ती और सोडा दोनों है मेरे पास, तीनों एक्चुअली नमक भी, तो तीनों है मेरे पास। तो आज हम नून चाय बनाएंगे, या फाइनली नून चाय बनेगी आज, पता नहीं कैसी टर्न आउट होगी, बट यस। तो अभी मुझे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो अभी मैं लंच डायरेक्ट करूँगी। तो अभी चलते हैं हम लोग मेस में लंच करने के लिए। उससे पहले डस्टबिन बाहर रख के आते हैं, क्योंकि आंटी आएगी डस्टबिन लेके जाएगी। बहुत ही कामचोर आंटियाँ हैं यहाँ की, बिल्कुल भी सही से काम नहीं करती हैं, एक वॉशरूम नहीं धो के देंगी। कुछ हज़ार बार बोलोगे, हज़ार बार बोलने के बाद एक बार आएंगे वॉशरूम धोने के लिए, वो भी दूसरे दिन भूल जाएंगे कि फिर से जाना है वहाँ पर। एनीवेज, तो अभी हम लोग डस्टबिन बाहर रख के आते हैं। क्या हो गया मेरे साथ, पूरा पानी पानी हो गया सब कुछ। अरे यार, आज मैं मेरे दिन की शुरुआत हुई स्ट्रगल के साथ, सफ कर दिए सुबह। मैंने असल में इस जगह से नहीं पहुंचा मतलब था, बाकी सब जगह से मत, तो अल्लाह ताला ने बोले तू गंदगी में रहने से बेहतर है तू गीली जगह पे रह। ये रख दिए मैंने डस्टबिन यहाँ पे, आंटी आके ले जाएगी। तो चीज जलाऊंगी असली टर्न ऑफ फैन, फैन को बंद करना है उस चीज़ के लिए जो चीज़ चलानी है। तो मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। छोटू सा ये यू गाइस शुड डेफिनेटली बाय दिस वन, लाइक इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, तो अभी चलते लंच करने के लिए बिकॉज आई एम हंग्री। आज मैंने अपने रूम में लाया बिकॉज कोई नहीं था। तो आज है कि आज क्या है, राइस है, ये कौन सा ज़ीरा राइस है, दही कड़ी और विनेगर सैलेड। ओके ओके, ये होता है, कुछ खास नहीं होता है यार। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो गई है। ये राइस कच्चा है यार, ये कच्चा खाना खाने की वजह से मुझे तब से चार पांच बार कल मुझे रात को इतना पेट में दर्द था ना, क्योंकि इन लोगों ने राजमा जो है वो कच्ची बनाई हुई थी और मुझे कच्चे खाने से पेट में दर्द हो जाता है। तो ये फिर से कच्चा है, हाँ कच्चा ही है, इस वक्त मजाक नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे। राइस कच्चा है, नहीं खाया जाएगा मुझसे। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हॉस्टल में रहना यू नो बहुत अच्छी बात है, उनको मैं बता दूं कि घर से अच्छी जगह कहीं नहीं होती है, ठीक है, कहीं का मतलब कहीं नहीं होती है। मुझे घर की बहुत याद आती है। बाय द वे
कश्मीर में स्नोफॉल हुई है तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग किस किस एरिया से और कहाँ पे कितनी कितनी स्नोफॉल हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई है बट थोड़ी थोड़ी हुई है, तो बताना कि कितनी कितनी हुई है। तो अब ये तो मैं खाऊंगी नहीं, बाद में मैगी बना के खाऊंगी। मैगी खा खा के भी मेरे स्टमक में दर्द हो गया, तो मैगी नहीं, नून चाय बनाएंगे हम लोग, नून चाय पियेंगे। अब अपना डिजास्टर करते हैं स्टार्ट। ये सुमैया देखिए उनकी मैंने लगी हुई है, बिकॉज मेरे पास ये वाली है, इसमें बनता नहीं है सही से, तो मैं भी यही वाली लाऊंगी। डिजास्टर हम अपना करते हैं शुरू, देखते हैं बनेगी या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले चाय को बॉइल करना होता है ना, सबसे पहले वो करना है, तो उसमें पानी डालना है सबसे पहले। इस द वाटर इसमें से डालूंगी, यही सुबह गिरी थी, इसी ने सारा रायता फैलाया था। ये इतना काफी होगा, पहले थोड़ा सा डिजास्टर करके देखते हैं, थोड़ा सा इतना या फिर। मुझे मेजरमेंट्स का जरा भी अंदाजा नहीं है, मैं ऐसे ही आंख बंद करके डाल रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता कि क्या टर्न आउट होगा। कैसे इतनी काफी है, हाँ इतनी काफी है, कड़वी हो जाएगी, इतना काफ़ी है ना, काफ़ी है। यार ये नहीं पता है कि इसको कितने टाइम के लिए बॉईल होने के लिए रखना है, मम्मा को फ़ोन करके पूछती हूँ कि कितने टाइम के लिए बॉईल करना है, फिर उसके बाद इसमें दूध डालना है। इट इज़ बॉइलिंग बट इससे मेहंदी की स्मेल क्यों आ रही है? बहुत ज़्यादा मेहंदी की स्मेल आ रही है। मुझे लगता है मैंने चाय पत्ती ज़्यादा डाल दी है, चलो कोई बात नहीं, इसको बॉइल कर, सारी नहीं डाल दूँगी, थोड़ी सी डालूँगी। भाई साहब ये तो अलग ही लेवल की क्या बन गया, लेकिन ये पिंक पिंक कलर आ रहा है ना, आई गेस ये हो गई है, बॉइल हो गई है, फिर बस इसको हम बनाते हैं। हाँ हो गई है, इतना काफ़ी है ना बॉइल करना, ज़्यादा नहीं मैंने डाला, बिल्कुल थोड़े से इसमें, थोड़ा सा भी ये भी निकाल ही देती हूँ मुझे लगता है ना, क्योंकि पता नहीं कैसी बनेगी यार, अगर अच्छी बनी तो दूसरे ये भी करती हूँ, दूसरी बार बनाऊँ। या इनफ यार, ये कप कितना क्यूट है ना, इसमें मैंने दूध डालने के लिए रखा हुआ। इट इज एक्चुअली पिंक। लास्ट बट नॉट लीस्ट नमक, पहले मैं नमक बहुत ज़्यादा खाती हूँ, नमकीन चाय में हमेशा। तो हाँ, मुझे आप लोगों को ये बताना था कि मुझे आजकल इतने ज़्यादा खौफनाक सपने आते हैं ना, बिच्छू सांप पता ही नहीं क्या हो रहा है, अल्लाह खैर करे, मेरे दुश्मन होंगे बहुत ज़्यादा, अल्लाह खैर करे। तो अभी मैं इसका बॉयल होने का वेट करती हूँ। बाय द वे, सांप का मतलब दुश्मन होता है, बिच्छू का मतलब क्या होता है? बिच्छू का नहीं मुझे पता था, अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना कि बिच्छू का मतलब क्या होता है। ओ ये आप खूब सो अच्छी हो, टेस्टी हो। इसका तो स्लो मो में होना चाहिए था यार, इसकी स्लो मो में वीडियो होनी चाहिए थी। पहले इतनी पीते हैं। This naturally looks very young to me. This actually turned out really good. I swear. ऐसा नहीं है कि मैंने बनाई है तो मैं तारीफ कर रही हूँ, कसम से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। अगर अच्छी नहीं बनी होती ना, मैं बोल देती अच्छी नहीं बनी। खुश हो गया मेरा, पता कितना अच्छा लग रहा है, पूरी कश्मीर वाली वाइब आ रही है। नहीं हाँ, थोड़ी थोड़ी आ रही है इस कश्मीर लॉट, बट या सून विल फिनिश माय डिग्री एंड विल गो बैक टू कश्मीर एंड हैव
नो नो नॉट डिग्री, डिग्री तो अभी 5 साल है. सून विल कम्प्लीट माई सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर एंड विल गो बैक टू कश्मीर एंड हैव टी. एक्साइटेड फॉर दैट. बहुत अच्छी बनी आई स्वेयर. अभी मैं इसको पीऊँगी, इंजॉय करूँगी इस चीज़ को. यार अब एक और चीज़ की याद आ गई, रोटी की, तंदूरी पे जो रोटी होती है ना उसकी याद आ गई. तो हम इसके साथ खाएंगे समोसा के साथ. नीचे गर्म ना पड़े क्योंकि तो छींटियाँ आ जाती है जैसे गर्म पड़ती है. मज़ा आ गया. यहाँ के लोगों को चाय पसंद नहीं आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नमकीन चाय, लिप्टन चाय से ज़्यादा पसंद. इधर पे आके आने लगी है. इसका कलर चेक करो, ठीक है, पूरी वो अच्छी पिंक टी बनी है कसम से. वो फेंकूंगी नहीं भाई, मुश्किल से बनाई है उसको, तो मैं रखूँगी, कल बना के पीऊँ. मैंने अभी मम्मा को वीडियो कॉल किया, आई शोड हर माई कारीगरी कि मैंने नमकीन चाय आज बनाई है, तो वो कलर देखते ही बोलते हैं कि अच्छी जो बनी है, अच्छी जो बनी है, और टेस्ट में तो अच्छी ही है. वो क्लिप मैंने मतलब वीडियो कॉल की थी मम्मा को और मैंने उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ, तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा. देखना मम्मा की इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी. तो अभी मैं अपनी चाय को करती हूँ ख़त्म, चाय करती हूँ इंजॉय. चाय इंजॉय करने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. आप लोगों को मत ऐसा लग रहा हो कि मैंने मजाक किया था, मजाक नहीं किया था, सच में सारी खत्म कर दी, ठीक है. ये भी दिखाती हूँ, इसमें भी नहीं है, और ये मैंने रखे हुआ है, इसको मैं कल बना के पीऊँगी इंशाल्लाह. और कोई तो चीज़ मेरी अच्छी बनी, कोई तो चीज़ खाने के लायक थी. तो अभी इसी के साथ साथ हम लोग यहीं पर करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय द वे मुझे आइडियाज़ दो आप लोग, जिस पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ. यू गाइज कैन कमेंट, चाहे वो चैलेंजेस क्यों ना हो या कुछ और क्यों ना हो, सो यू गाइज कैन डेफिनेटली कमेंट. मैं ट्राई करूँगी कि मैं बनाऊँ वीडियो. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि अपने कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना, दिखाना, तो वो भी मैं दिखाऊँगी, वो भी मैं बताऊँगी कि क्या होता है बेंगलोर में. इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसा होता है बेंगलोर में सब कुछ. मतलब मेरी डिग्री कितने की हो रही है, हॉस्टल फ़ी कितनी है, तो वो भी मैं बताऊँगी. और सबने बताया था कि हॉस्टल लाइफ के बारे में दिखाना, तो वो भी दिखाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी. बट आप लोग मुझे ऐसे ऐसे आइडियाज़ देते रहो, सो दैट मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ. तो इसी के साथ साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए यू गाइस नो व्हाट यू हैव टू डू, हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लस फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय. और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि 24 आवर्स दैट यू नो कि सॉरी